जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। जैसा कि हमें पता है कि हमने चैप्टर वन इंट्रोडक्शन परिचय संख्या पद्धति का बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं समझा है, परिचय नहीं समझा है क्लास का और सीधे इस क्लास पर आ गए हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आते हैं प्रश्नावली 1.1, और ये आपकी बुक का पेज हम यहाँ पर लाए हुए हैं और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के साथ। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे। जो भी परिचय संबंधित इंट्रोडक्शन संबंधी बातें थी वो हम पहले ही क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं की है तो फौरन जाइए और आप वहाँ पर इसे कंप्लीट करके आइए। देखिए क्या लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या आप इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है जीरो के। इंट्रोडक्शन में हमने समझाई था, क्विक रिवीजन करवाऊँ तो ये है कि हमने प्राकृत संख्या समझा था जिन्हें हमने देखा था एक से चालू हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक। पूर्ण संख्याएँ जो कि जीरो से चालू होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक। पूर्णांक संख्या हैं जिन्हें हमने जेड से रिप्रेजेंटेड किया था। पूर्णांक संख्याएं जो हमारी हैं वो हमारी कहाँ से, माइनस में भी होती हैं, जीरो भी होती है और साथ में हमारी पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। इसके बाद हमने देखा था परिमेय संख्याओं को, जिसके बाद हमने देखा था परिमेय संख्याओं को जिसे मैं रेशनल नंबर लिख रहा हूँ, आप समझिए। हमने देखा था वहाँ पर अगर हम किसी नंबर को पी बटे क्यू के रूप में लिख पा रहे थे, तो वो हमारी कौन सी संख्या थी, परिमेय संख्या थी। कौन सी थी, परिमेय संख्या थी। अच्छा, ऐसी कोई, उसे हमने अपरिमेय संख्या कहा था। ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू का रूप नहीं देख पा रहे हैं वो हमारा क्या था, अपरिमेय संख्या था। अब उन्होंने सीधा सा पूछा कि जीरो एक परिमेय संख्या, सीधी सी बात है कि अगर हम जीरो को पी बटे क्यू के रूप में लिख पाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, जीरो को अगर हम पी बटे क्यू के रूप में लिख पाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, अदरवाइज परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए मैंने आपसे बोला था ये जीरो तो लिखा हुआ है, क्या इसके नीचे एक नहीं लगा सकते क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो सभी के नीचे रहता ही है, इसका मतलब हमने इसे पी बटे क्यू का रूप दे दिया। अच्छा एक बात और याद रखना कि अगर हम किसी की वैल्यू में कोई चेंजेस ना होने दें, उसकी जितनी वैल्यू है उतनी ही रहे, उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम वो सारे बदलाव कर सकते हैं। जैसे 0/1 का आंसर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। हम जानते हैं 0/2 अगर 2 भी लिखा होगा तो भी इसे सॉल्व करने पर हमारा जीरो ही आने वाला है। जीरो के नीचे कोई भी संख्या आएगी, जीरो को हम किसी भी संख्या से भाग देंगे, मतलब जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, जीरो के नीचे -3 लिखेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब नीचे -3 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, कुछ भी लिखो, हमारा आंसर हमेशा जीरो आने वाला है। आंसर हमेशा क्या आने वाला है, जीरो। इसका मतलब अगर जीरो आंसर आने वाला है तो हम नीचे कुछ भी लिखें उसकी वैल्यू में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका मतलब हम उसे लिख सकते हैं, जीरो को उसी तरह से तो लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। हम क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। वो निम्न प्रकार क्या होंगे, जैसे आप 0/1 लिखिए, 0/2 लिखिए, 0/-3 लिखिए, कुछ भी लिखिए, ये सभी जीरो के ही अलग अलग रूप हैं, और इसे हमने जब पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया है तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
बढ़ते हैं अब हम आगे। अब अगला हमारे सामने प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो एक बार ट्राई करिए। अच्छा, उसको छोड़िए कि बीच में संख्याएं कौन सी होंगी, आप इस बात में ज़रूर सोचिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो हमें इसके लिए हमें समझना होगा कि एक संख्या रेखा होती है जिसमें बीच में 0 होती है, इधर 1, 2, 3, 4 हमारा अनंत तक जाता है, इधर भी हमारे माइनस में संख्याएं अनंत तक जाती हैं। समझिए, ये लिखा हुआ 1, 2, 3, 4। अब मैं आपसे पूछूं कि 0, 0 और 4 के बीच में क्या है, तो आप बोलेंगे कि 1 है 2 है 3 है, यही तो हैं संख्याएं। मैं आपसे पूछूं 1 और 3 के बीच में क्या है, तो आप बोलेंगे 2 है। लेकिन एक बार सोचिए कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 4 के बीच में क्या है, 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 और 4 के बीच में तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि फिर 3.1 कहाँ आता है, 3.2 कहाँ आता है, तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल इनके बीच में ही आता होगा सर, कहीं ना कहीं। जैसे 3 और 4 लिखा है तो 3.1 यहाँ आता होगा, 2 आता होगा, 3 इस तरह से बढ़ता होगा। अच्छा, हम इसका मतलब ये हुआ, अच्छा 3.1 से भी छोटा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, 3.01 लिखेंगे, 3.001 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, आप मोटे तौर पर केवल इतनी सी बात समझिए, इसे कभी मत भूलिएगा, कि कभी भी किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इसका मतलब हम उन्हें कभी गिन नहीं सकते। जी हाँ बिल्कुल आप कभी उन्हें नहीं गिन सकते। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए, अगर आपने इंट्रोडक्शन ठीक से समझ रखा है और आपसे पूछा जाए कि 3 एक परिमेय संख्या है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 3 परिमेय संख्या है, नीचे 1 लगा सकते हैं, लगाना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। कि 4 भी परिमेय संख्या है, बिल्कुल 4 भी परिमेय संख्या है, मतलब प्रश्न में नहीं लगाना, उत्तर में सॉल्व करते समय हम जरूर लगाएंगे। देखिए हम हल करेंगे, हल में क्या है, इन दोनों के बीच में अनंत संख्याएं हैं, परिमेय अनंत परिमेय संख्याएं हैं, हमें केवल 6 चाहिए, हमें केवल कितनी चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 करने के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, 3 एवं 4 को 3/1 एवं 4/1 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या है, आप बोलेंगे ये 3/1 के बाद ये सर जगह क्यों छोड़ी है, ये आपने जगह इतनी क्यों छोड़ी हुई है, यहाँ पर भी जगह छोड़ी है, तो इसका एक कारण है। देखिए 3 को तो 3/1 लिख ही पाएंगे, 4 को तो 4/1 लिख ही पाएंगे। आप इस बात को समझिए कि अगर हमें कभी भी लगातार संख्याएं दी हो, लगातार संख्या का मतलब हम समझते 3 के बाद 4 ही आता है, 4 के बाद 5 आता है, 99 के बाद 100 आता है, 101 के बाद 102 आता है, ये जो लगातार संख्याएं जब भी हमें देंगे, तो हमें हमेशा करना है कि जितनी परिमेय संख्याएं हमसे पूछी हैं उससे 1 अंक ज़्यादा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्या उससे 1 ज़्यादा। जैसे 3 के बाद 6 संख्याएं पूछी हैं, तो हम यहाँ पर गुणा किसका करेंगे, 7 का। अच्छा, यहाँ पर 7 संख्याएं पूछी होती हैं, गुणा किसका करते हैं, 8 का। 9 पूछी होती हैं, किसका करते हैं, 10 का। जितनी संख्याएं पूछेंगे उससे 1 ज़्यादा का हमें क्या करना है, गुणा। अच्छा, ऊपर गुणा किया तो नीचे भी गुणा उसी संख्या का करना ही पड़ेगा। यहाँ आपने जिस संख्या का गुणा किया उसी का हम यहाँ करेंगे, और यहाँ किया है हम उसी का गुणा हम यहाँ करेंगे। अच्छा सुनिए, अच्छा ऊपर 7 का किया है, नीचे भी 7 का किया, ऐसा क्यों किया है, कारण समझिए कि 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये अभी भी 3/1 ही तो रहेगा। ठीक उसी तरह से 7 यहाँ से इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, 4/1 ही रहेगा। इनकी वैल्यू में कोई बदलाव, इनके मान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तभी तो ये 3 और 4 माने जाएंगे। लेकिन हमें ज्ञात करने के लिए इन्हें इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत
है। तो हमने क्या लिखा है कि 3/4 को इनके रूप में लिखा जा सकता है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई परेशानी होगी नहीं कि इसमें ऊपर 7 का की या नीचे 7 का की, ये अभी भी 3/1 ही है, ये अभी भी 4/1 ही है। तो हमारे सामने क्या आएगा तब, संख्या, तब संख्याएं हमारे सामने क्या होंगी, देखिए संख्याएं क्या होंगी, 3 का 7 से इंटू करोगे 7 कितना हो जाएगा हमारा 21, और 7 का 1 से करोगे कितना हो जाएगा 7 × 7 एवं, अच्छा यहाँ पर 4 का 7 से करोगे कितना हो जाएगा 28, और 1 का 7 से करोगे तो क्या हो जाएगा 7। तो अब हमारे संख्या, अब हमारे बीच में संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो 21/7 है और एक 28/7 है। अब हम लिखेंगे कि हमें अतः 3 एवं 4 के बीच कितनी संख्या पूछी थी, 6 परिमेय संख्या, तो 6 परिमेय संख्या कौन सी होंगी, देखिए 21 के बाद आपको गिनती लिखना है कहां तक, 28 तक, 21 के बाद गिनती कहां तक लिखना है 28, 21 के बाद क्या आता है 22, 22 के बाद क्या आता है 23, फिर क्या आता है 24, फिर क्या आता है 25, फिर क्या आता है 26, और फिर क्या आता है 27। 28 को नहीं लिखेंगे, 28 को नहीं लिखेंगे, ना हमने इधर 21 को लिखा है ना ही हमने 28 को लिखा है, हमने 21 के बाद 22 से स्टार्ट किया और 28 से पहले ख़त्म कर दिया, 28 से पहले ख़त्म कर दिया। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बोला है बीच के होना चाहिए, बीच के होना चाहिए, मतलब इसे और इसे शामिल नहीं करना है, इसे और इसे शामिल नहीं करना। अच्छा सभी के नीचे 7-7 तो लगाना ही है, सभी के नीचे हम क्या लगाएंगे 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 तो हमारे हर के रूप में था ही था, 7 हमारे हर के रूप में था। देखिए तो ये कॉमा लगा देंगे और ये हमारी, अच्छा ये संख्याएं कितनी है गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही परिमेय संख्या हमसे इनके बीच का पूछा था। आप मुझसे एक बात बोल सकते हैं, आप मुझसे एक बात बोल सकते हैं कि सर हमसे 3 और 4 का पूछा था, आपने 21/7 और 28/7 का क्यों बताया। हमने आपसे क्या पूछा था, हमने आपसे पूछा था 3 और 4 के बीच में, और आपने हमें क्या बता दिया 21/3। तो आप मेरी बात समझिए, हमारे सामने एक संख्या क्या है 21/3 और एक है 28/1, हमारे सामने है 21/3 नहीं, हमारे सामने संख्या है 21/7 और 28/7, हमारे सामने संख्या क्या है 21/7 और क्या है 28/7, तो 21/7 संख्या है और क्या है 28/7। तो हमें तो 3 और 4 के बीच में चाहिए था, तो मैंने बोला आप इसे सोच कर देखिए, क्या ये 7 1 और 7 3 जे 7 × 7 21 नहीं होता, और ये 7 × 7 और 7 × 4 28 नहीं होता। अरे ये यही तो 3 ही तो लिखा है और ये 4 ही तो लिखा है, बस हमने उसके रूप को बदल दिया है, हमने उसके रूप को बदल दिया। क्यों बदला है, क्योंकि बिना उसके रूप को बदले हमें समझ में आने वाला नहीं था। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें और करनी है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें और करनी है। अगला क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल उसी की तरह है क्वेश्चन, उसी की तरह क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से करने की कोशिश करिए, बिल्कुल जल्दी से कोशिश करने की कोशिश करिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है हमें, हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें इतना लिखना है कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कौन कौन सी संख्याएं नज़र आ रही हैं उन पर थोड़ा गौर करना है। आप तो केवल इतना लिखिए कि 3 और 4 लगातार हैं या नहीं है, 3 और 4 लगातार हैं या नहीं है, 3 और 4 लगातार हैं, तो कितनी संख्याएं पूछी हैं 5, कितनी पूछी हैं 5, तो हमें गुणा किसका करना है 6 का, गुणा किसका करना है 6 का। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ 3/5 एवं 4/5 को किस रूप में लिख पाएंगे, तो 3/5 में कितनी संख्या पूछी है 5, तो किसका इंटू करेंगे, किसका गुणा करेंगे 6 का, 5 पूछा है तो 6 का, 6 पूछते तो 7 का, 7 पूछते तो 8 का, तो 5 पूछा है किसका गुणा किया 6 का, अच्छा 6 का ऊपर किया, 6 का नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे नहीं करेंगे, नीचे अगर गुणा नहीं करेंगे तो ऊपर 6 ही रह जाएगा और उसकी उसके मान में बदलाव हो जाएगा, उसके मान में बदलाव हो जाएगा। अच्छा एवं एवं और कौन सा है हमारा 4/5, और क्या है हमारा 4/5, इसमें भी ऊपर गुणा किसका करेंगे 6 का और नीचे भी गुणा किसका करेंगे 6 का, को के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं,
इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब हमारे बीच में क्या संख्या होंगी, तब संख्याएं क्या होंगी, तो 3 6 18 3 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, 5 6 कितना हो जाएगा 30 एवं, और ये कितना है 4 6 24, 4 6 24 और नीचे कितना हो जाएगा 30। अतः हमसे कितनी संख्याएं पूछी थी, वो संख्या आ चुकी हैं हमारे सामने, वो संख्याएं हमारे बीच में आ चुकी हैं। देखिए अब हमारे बीच में क्या है, 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो देखिए गिनती लिखना है, 18 के बाद क्या आता है 19, क्या आता है 19, फिर क्या आता है 20, फिर क्या आता है 21, फिर क्या आता है 22 और फिर क्या आता है 23, और 24 तो हमारा ये आ ही गया है, 24 को नहीं लिखा है, 18 को नहीं लिखा है, 24 को नहीं लिखा है और 18 को नहीं लिखा है, अच्छा 18 के बाद से स्टार्ट किया और 24 से पहले ख़त्म कर दिया है। सभी के नीचे इस बार क्या आएगा 30, क्या आएगा सभी के नीचे इस बार 30, सभी के नीचे हमारा क्या आ जाएगा 30। क्या ये 5 ही संख्याएं हैं, जी हाँ बिल्कुल 5 ही हैं। क्या 5 ही पूछी थी, क्या जी हाँ बिल्कुल 5 ही पूछी थी, 5 हमने लिख दी हैं, 5 पूछी थी, 5 हमने लिख दी हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। आप यहाँ पर ये इसमें भी सोच सकते हैं, फिर से आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि हमसे पूछा किसका था, हमसे पूछा किसका था 3/5 और 4/5 का, और हमने निकाला किसका है 18/30 और 24/30 का, 18/30 और 24/30 का। अगर 18/30 और 24/30 को अगर हम देखें, 18/30 और 24/30 को अगर हम देखें, तो देखिए आप 6 5 30 होता है और 6 3 18 होता है, और 6 5 30 होता है और 6 4 24 होता है, ये अभी भी तो 3/5 और 4/5 ही है एवं 4/5 ही तो है। इसका मतलब ये उसी के हम रूप को बदल देते हैं, उसी के हम रूप को बदल देते हैं इस तरह से, हम इसे सॉल्व करने के लिए इस तरह के कुछ हमें उसका रूप बदलना पड़ता है। तो आई थिंक आपको इसका आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे बीच में अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो अच्छा वही क्वेश्चन आ गया है, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको इसे ट्राई करना है। देखिए क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ऐसा ये कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है, क्या ये वो सही बात है। तो इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने के लिए केवल आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि जिसका नाम पहले लिखा होगा, जिसका नाम पहले लिखा होगा उसकी पहले एक तस्वीर बनाना, अरे पेंटिंग नहीं करना है आपको, तस्वीर बनाना है, बिना पेंटिंग के भी तस्वीर बनती, देखिए कैसे पहले प्राकृत संख्या लिखा है, तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है ये प्राकृत संख्या है, हमने क्या लिखी 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाएंगी, बाद में किसका नाम लिखा है पूर्ण संख्या का, बाद में किसका नाम लिखा हुआ है पूर्ण संख्या का, तो पूर्ण संख्या की हमने तस्वीर बनाई और क्या लिखा है 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक, ये अनंत तक। अब हमें क्या करना है, इस तरह के प्रश्न में पहले जिसका नाम लिखा होगा उसे ऊपर बनाना है, नीचे जिसका लिखा होगा उसे नीचे बनाना है। अब केवल इतना चेक करना है, क्या ये जो ऊपर वाला ग्रुप है, क्या ये जो ऊपर वाले सभी नंबर हैं वो नीचे वाले में दिखाई दे रहे हैं, क्या जो ऊपर वाले सभी नंबर हैं वो नीचे वाले में दिखाई दे रहे हैं, तो जवाब है यस। जवाब क्या है हमारा, यस। देखिए एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, दो यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तीन यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पर अनंत तक संख्याएं दिख रही हैं, यहाँ भी अनंत तक संख्याएं दिख रही हैं, जीरो तो और एक्स्ट्रा है, जीरो क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा से क्या, एक्स्ट्रा तो अच्छी बात है ना, लेकिन ये तो सभी दिख रहे हैं ना, अगर ऊपर वाले सभी नंबर नीचे वाले में सभी दिख रहे हैं तो आंसर क्या होगा, यस, मतलब हाँ। तो आप क्या बोलेंगे, हाँ, और क्या बोला है, अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए, अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ, पहले तो हमने लिखा क्या, हाँ, अब उत्तर क्या होगा, क्योंकि 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 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं शून्य एवं प्राकृत संख्या से मिलकर बनती हैं, शून्य एवं प्राकृत संख्या से मिलकर, प्राकृत
संख्या से मिलकर बनती हैं। आप देख लीजिए क्या है, हमने ये लिखा है, हमसे पूछा हुआ था क्या सभी की सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो हमने लिखा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो हैं, ये जो पूर्ण संख्याएं जो हैं वो शून्य से और प्राकृत संख्या से मिलकर बनती हैं। मतलब कि ये जो हमारी पूर्ण संख्याएं थी, होल नंबर थे, वो हमारी शून्य तो था ही, साथ में यहाँ पर सभी प्राकृत संख्या थी, साथ में सभी हमारी क्या थी, प्राकृत संख्याएं थी, तभी तो जीरो और प्राकृत संख्या से मिलकर हमारी पूर्ण बनेगी, तो प्राकृत संख्या तो उसमें आएंगी ही आएंगी, इस कारण से ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इस तरह के प्रश्न के लिए यही करना है। ऊपर क्या बनाना है, पूर्णांक, पहले नाम किसका दिया है, पूर्णांक का, तो पहले क्या बनाएंगे, पूर्णांक, पूर्णांक की तस्वीर बनाएंगे हम, किसकी तस्वीर बनाएंगे, पूर्णांक की तस्वीर बनाएंगे। पूर्णांक की तस्वीर क्या होती है, जिसमें माइनस वाले नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और प्लस वाले नंबर भी होते हैं, ठीक है, तस्वीर बन गई है, ठीक है। पीछे क्या लिखा है, पूर्ण संख्या, पीछे क्या लिखा है, पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या की क्या होती है, तो पूर्ण संख्या की आप बोलेंगे कि सर जीरो तो होती है, प्लस वाले नंबर भी होते हैं, जीरो तो होती है, प्लस वाले नंबर भी होते हैं, आप इसे जीरो एक दो तीन चार भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या ऊपर वाला पूरा बॉक्स नीचे दिख रहा है, क्या ऊपर वाला पूरा बॉक्स नीचे दिख रहा है, देखते हैं, जीरो यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, प्लस प्लस वाले नंबर यहाँ दिख रहे हैं तो यहाँ भी दिख रहे हैं, लेकिन माइनस वाले यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहे हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जीरो था, जीरो यहाँ भी था, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर थे, पॉजिटिव यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर हैं, यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो नीचे वाले बॉक्स में नहीं हैं। और जब जब ऐसा होगा कि ऊपर वाले बॉक्स में कुछ है, ऊपर वाले बॉक्स में है, वो नीचे वाले में नहीं है, इसका मतलब वो आंसर हमारा क्या माना जाएगा, नहीं, मतलब कि ये क्या है, असत्य है। क्या है, आप हाँ की जगह यहाँ पर सत्य भी लिख सकते हैं, और असत्य, सॉरी, हाँ लिख सकते हैं या सत्य लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाला हमारा क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। आप क्या लिखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है, असत्य है। अच्छा, असत्य क्यों है, तो हम लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक, पूर्णांक हो सकती है, कोई भी ऋणात्मक संख्या क्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, कोई भी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक हो सकती है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकती। हमने क्या लिखा है, कोई भी ऋणात्मक संख्या होगी, कोई भी ऋणात्मक संख्या होगी, वो हमारी पूर्णांक संख्या तो हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या कैसे होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो जीरो आता है और सारे प्लस वाले पॉजिटिव नंबर आते हैं, मतलब कि धनात्मक संख्याएं आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो हमारी पूर्ण, कोई भी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक हो सकती है परंतु पूर्ण नहीं हो सकती, इस कारण से ये हमारा क्या है, असत्य है। क्या है, ये हमारा असत्य है। इसके बाद लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या हमारी क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, पहले परिमेय देखना है, परिमेय क्या होती हैं, तो हमने देखा परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा है, पूर्ण संख्याएं, फिर क्या लिखा है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या जीरो से चालू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। अब देखना केवल इतना है, क्या ऊपर वाले सभी नंबर, क्या ऊपर वाले सभी नंबर नीचे वाले में दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि जी हाँ, हम इन सभी को बटे में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो दो बटे तीन है, ये जो दो बटे तीन है वो हमारा परिमेय संख्या में तो आएगा, जो हमारा दो बटे तीन है वो हमारा काय में आएगा, परिमेय संख्याओं में तो आएगा, लेकिन वो दो बटे तीन पूर्ण संख्याओं में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दो बटे तीन पी बटे क्यू के रूप में है, इस कारण से परिमेय तो होगा लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, इस कारण से ये हमारा क्या होगा, इस कारण से ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा। ये भी हमारा क्या होगा, असत्य होगा। कारण हमने देख लिया है, असत्य। पहले लिखेंगे क्या है, असत्य है क्योंकि कोई
जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है परंतु यह पूर्ण नहीं है। एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण नहीं है। ये जो 2/3 हमारे सामने है या 3/4, आप अपनी मन से कोई नंबर ले सकते हैं जो कि हमारी परिमेय तो है लेकिन हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस होमवर्क है। होमवर्क जरूर आपको करना है। होमवर्क इसे इरेज करने के बाद अच्छे से आपको दिखाई देने लगेगा। होमवर्क जरूर आपको करना है क्योंकि देखिए मैथ सीखना है आपको, ट्राई तो करना पड़ेगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आप समझेंगे कि केवल वीडियो से काम चल जाए, तो ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है। इसमें प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। इंग्लिश होता है, कोई अन्य सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें केवल देखकर काम चलाया जा सकता है, लेकिन मैथ्स में तो आपको करना ही पड़ेगा। इनके लिए ज़रूर आपको करना है। वीडियो पसंद आया हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।